तो खतरों के खिलाड़ी का नया सीजन आ चुका है जो कि सैटरडे से शुरू हो चुका है, जहां पे फर्स्ट स्टंट में शिव ठाकरे, संतोष मुनफकीर और उसी के साथ साथ अर्जित तनेजा उन्होंने रॉक किया। उन्होंने लास्ट तक रस्सियां ग्रैब करके रखी और जो चॉपर इतना हिल रहा था उनपे जो पानी के छींटे आ रहे थे उनको बार बार पानी में भी अंदर डाला जा रहा था, घुमाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरी में वो तेल विनर बने फर्स्ट स्टंट के, जहाँ पे फर्स्ट स्टंट के बाद ही सबको फेयर फंडा मिल गया। और उसके बाद जब सेकंड स्टंट हुआ तो उसमें दो दो की दो टीम पड़ गई, जहाँ पे फर्स्ट टीम थी रूही और अंजुम की, जहाँ पे ये स्टंट था बैलेंस का स्टंट था, जहाँ पे एक और नीचे था, वहाँ पे रूही और अंजुम में बहुत ही अच्छा अपना कोऑर्डिनेशन दिखाया और सात फ्लैग लगाए, जहाँ पे वो आठवां फ्लैग लगा सकती थी लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं किया। और उसी के बाद जो इतना हमको ऐश्वर्या और डीनो का इतना कोऑर्डिनेशन नहीं लग रहा था, फिर भी कैसे भी करके ऐश्वर्या ने डांट काटी, डीनो ने अपना दम दिखाया और उन्होंने ये स्टंट जीत लिया। इवन रोहित सर भी बोल रहे थे कि ये तुरंत गिर जाने वाले हैं, ये नहीं जीतने वाले, लेकिन उन्होंने करके दिखाया और ऐश्वर्या और डीनो ने सेकंड स्टंट जीता था। थर्ड स्टंट था केज और शेर वाला स्टंट, जहाँ पे बहुत टाइम से ये स्टंट होता आ रहा है, जहाँ पे डिस्क कलेक्ट करना होता है और शेर आसपास होते हैं, वहाँ पे डेजी शाह ने बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड किया और टोटल 8 डिस्क कलेक्ट की थी। वहीं पे रोहित वो इंजर्ड थे, उनकी हैमस्ट्रिंग खींच गई थी फर्स्ट स्टंट में, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और स्टंट बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और जीत भी जाते अगर उन्होंने ओवर ट्राई ना किया होता, उन्होंने अगर थोड़ा आराम से स्टंट किया होता वो जीत जाते। और अगर हमको पूरे दिन का परफॉर्मेंस ऑफ द डे देखना हो तो वो रोहित का था, क्योंकि उनकी हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उन्होंने इतनी एनर्जी से स्टंट किया, भले वो हार गए लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टंट किया और अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। और जिन्होंने स्टंट नहीं किया है वो बचे हैं 5 लोग, और इसी के साथ साथ 3 लोग, जहाँ पे रूही, अंजुम और रोहित, ये 3 एलिमिनेशन स्टंट में जा चुके हैं। तो क्या होता है ओवरऑल देखते हैं आज। तो आप खतरों के खिलाड़ी में किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।